जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। भजन संहिता 145 का 14 वचन, यहोवा सब घिरे हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा हमारा पास आते हैं, जो गिरे हुए सबको वो संभालता है। वो संभालने वाला परमेश्वर है। कौन गिरते हैं? दो लोग गिरने की संभावना है। एक है भजन संहिता 94:18 वचन, जब वो कहते हैं पैर फिसलता है कहने के वक्त में, जब पहले गिरने वाले हैं। दूसरे ऐसे झुंड है, बोझ ज्यादा होने से पछताते हैं, वो गिर जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:8 वचन, सारे जहां में चारों तरफ में सतावट है, उस बोझ के चलते गिर जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में वो पास में जाके संभालने वाला परमेश्वर है। बहुत परिस्थिति में हमारे पैर फिसल जाते, कैसे परिस्थितियां हैं, कभी कभी पाप में गिरने से, परमेश्वर के अप्रिय बातों में जब उसमें जाते हैं, पाप में जब गिर जाते हैं, पैर फिसलने की संभावनाएं हैं। आखिर दिन में बहुत ज्यादा से ज्यादा सारे बोझ से भड़के, इस पाप का बोझ है, इसे भयंकर है। इसलिए यीशु ने कहा मत्ती 11:28 में, ये सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो शायद पाप का बोझ को ही वो कहता है, इतना बोझ ज्यादा हो गया, सह नहीं सक रहे हैं। परमेश्वर के लोगों को देखे पाप से करने से वो पछताते हैं। पाप का गिरने के बाद कोई भी व्यक्ति आनंद और खुशी से नहीं रहते हैं, बेचैन रहेंगे। इसलिए प्रभु कहता है इस प्रकार जो बोझ है ना, उससे सह नहीं पाते हैं, शांति नहीं रहता है, खुशी नहीं रहती है। चर्च में कैसे जाएंगे, बाइबल को कैसे खोलेंगे, कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए सारे बोझ से बढ़कर उस पाप का बोझ भयंकर बोझ रहती है। क्यों मन में शांति नहीं है, क्यों आनंद नहीं है, क्यों सब कुछ खो जाते हैं? कहीं ना कहीं हमने गलत की है, कहीं ने हमारी भूल हुई है। इसलिए उसमें पहचान के उसको शुद्धिकरण करने के लिए ईमानदारी से आने से प्रभु कहता है सारे पाप को बोझ को बदल के, सारे अंधकार को दूर करके, अभी ही पवित्र करके, शांति को देने के लिए ये यीशु आया है। इसलिए पाप में जब बोझ में दबे रहते हैं, तुम्हें संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया।